गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम मनीषा फ्रॉम मनीषा'स प्रिटी किचन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं ककड़ी का टेस्टी डिलीशियस खट्टा मीठा तीखा रायता। तो ये जो रायता है आप लंच और डिनर में सर्व करेंगे अगर खाना खाने के साथ, तो बहुत ही सुपर डिलीशियस आपका लंच और डिनर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट इसके लिए लगने वाले हैं। तो इसके लिए लगेंगे फ्रेंड्स दो मीडियम साइज की ककड़ियाँ और ग्रेटर। अभी हम ये जो है ककड़ियों को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे और बारीक बारीक ग्रेट करेंगे। तड़का के लिए हमें लगेंगे थोड़ा सा धनिया, कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई मिर्ची, तीन स्पून शक्कर, राई और आधा स्पून सॉल्ट। जो शक्कर है वो 3 टेबलस्पून लगेगी। जो दही है, दही जो है खट्टा और बहुत खट्टा और बहुत मीठा नहीं होना चाहिए। ये 2 कप्स दही लगेगा और इसको अच्छे से फेंट लेना है, लम्स नहीं रहने देना है। तो ये जो ककड़ी है अभी हम इसको ग्रेट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ककड़ी को अच्छे से ग्रेट करने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ग्रेट करने के बाद जो ग्रेट की हुई ककड़ी है उससे हमें पानी निकाल लेना है। अब हम पानी कैसे निकालेंगे? पानी जो है, जैसे मैंने यहाँ पे एक छलनी ली है, तो छलनी से आपको पानी ऐसे ककड़ी दबाकर पानी अलग कर लेना है। तो ये जो पानी है ये भी फेंकना नहीं है, इसको आप पी लीजिए एज अ जूस करके, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो आप क्या है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स ये पानी निकल लिया है हमने, ये पानी तो मैं ही पीऊंगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो ककड़ी हमने पानी निकाली हुई है ककड़ी, ये हम अभी दही के साथ मिक्स करेंगे। और दही के साथ इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट भी डालेंगे। तो क्या है फ्रेंड्स, ये रायता जो है पूरा बन जाने के बाद इसको टेस्ट करना ज़रूर मत भूलिए, क्योंकि क्या है कि टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें सॉल्ट या शक्कर की कोई कमी तो नहीं है। अभी जो है हमने पानी निकाल लिया है, अभी ये ककड़ी मैं दही के साथ मिक्स करूंगी। आपको भी ऐसे ही पूरा पानी निकाल लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ककड़ी के साथ। ये निकालने के लेने के बाद ये जो ककड़ी है पानी निकाली हुई, तो इसको हम दही के साथ अभी मिक्स करेंगे। दही के साथ मिक्स करने के बाद इसमें शक्कर और सॉल्ट भी डालना है। ये 3 टेबलस्पून शुगर है और 1/2 टेबलस्पून या फिर उससे भी थोड़ा सा कम मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। ये मैं बाद में चेक करूँगी सॉल्ट या शक्कर की जो भी कम मात्रा है ज़्यादा है, ये थोड़ा सा मैं बाद में चेक करती ही हूँ। जो भी हम बनाते हैं उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका टेस्ट डिपेंड करता है सीजनिंग पे। ये ऐसे मिक्स करना है फ्रेंड्स, ये मिक्स अच्छे से कर लीजिए। शक्कर उसमें घुल जानी चाहिए, सॉल्ट शक्कर जो है, सॉल्ट शुगर वो अच्छे से घुल जानी चाहिए। फिर क्या है फ्रेंड्स कि ये टेस्ट मिक्स हो जाएगी अच्छे से। अभी मैं आपको तड़का कैसे बनाना है वो बताऊंगी, इसमें थोड़ा सा धनिया भी मिलाना है। चलिए तड़का बनाते हैं। तो मैंने इसमें लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। अभी मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच राई डालूंगी। गरम होने देना है तेल को, उसके बाद ही राई छोड़नी है। जैसे ये राई फूट रही है वैसे फूटनी चाहिए, और तड़का देते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्योंकि ये बहुत उड़ती है। तो मिर्ची डालिए, उसके बाद कड़ी पत्ता डालिए, कड़ी पत्ता डालने के बाद धनिया डालिए थोड़ा सा, और बस ये रेडी है। इसको जलने नहीं देना है बिल्कुल, 1 मिनट ही लगेगा इसको। और बस मेरा तड़का अभी रेडी है, मैं इसको चम्मच से थोड़ा सा घुमाऊंगी और गैस बंद कर दूंगी। हो गया, ये रेडी है बेटा, रेडी है फ्रेंड्स। अभी ये इसको मैं दही और ककड़ी के रायते के साथ मिक्स करूंगी। मैंने गैस बंद कर दिया है, अभी मैं इसको रायते के साथ मिक्स करूंगी। इसको अच्छे से बस मिक्स कर लीजिए और उसके बाद ही आपको टेस्ट करना है। सॉल्ट शुगर सब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कम है ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि दही का टेस्ट पे डिपेंड करता है उसमें शक्कर कितनी लगेगी। अगर आपका दही मीठा है तो आपको कम शक्कर लगेगी, अगर आपका दही खट्टा है तो थोड़ा शक्कर ज़्यादा डालनी पड़ेगी आपको, और सॉल्ट भी थोड़ा सा
कम ज़्यादा लगेगा। तो अभी ऐसे मिक्स करना है, उसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं या फिर नहीं भी, आप आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ककड़ी का खट्टा मीठा तीखा टेस्टी सुपर डिलीशियस टेस्टी रायता रेडी है। आप इसको सर्व करिए लंच में, डिनर में या फिर पराठों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, और मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी फ्रॉम मनीषा'स प्रेटी किचन। और आप